तो आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की खीर, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसके लिए मैं ले रही हूँ आधा लीटर दूध। हमें गैस हाई फ्लेम पे रखना है और जस्ट वेट करना है कि जब तक उसमें एक उबाल नहीं आ जाता। इस बीच मैंने यहाँ पे दो चम्मच चावल ले लिया है, जिसको हम पानी से धोएंगे और धोने के बाद मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ दो चम्मच। ये देखिए, मैंने चावल को एकदम बारीक नहीं पीसा, इसे दरदरा ही रहने देंगे। हमारा दूध भी उबल गया है और हम अब ये पेस्ट डाल देंगे दूध के अंदर। साथ ही में डालेंगे हम चीनी। मीडियम फ्लेम पे हम अपनी खीर को पकने देंगे। बीच बीच में इस खीर को चलाना भूलिएगा नहीं, वरना ये जल जाएगी और बाद में इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। 10 मिनट हो गया है मुझे खीर पकाते हुए मीडियम फ्लेम पे, और हमारे चावल भी पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जैसे काजू, बादाम, किशमिश। अब ये गया थोड़ा सा इलायची पाउडर और हमारी खीर तैयार हो गई।